चलिए यस बस वैसे 15 मिनट लेट हो गए। देखो नेक्स्ट, तो कल वाली प्रॉब्लम वापस से कर रहे हैं अपन। राइट डाउन द सम ऑफ एंटम्स इज गिवन बाय बातें नहीं राइट डाउन If the sum of n terms is given by क्या था भाई? Sn equal to three n square minus 4n. Find अरे तुम तो कुछ भी नहीं है, तुम तो दोबारा लिख लो बस खत्म। देखो फाइंड इट्स एन एटम, चलिए बस इफ द सम ऑफ एन एन टर्म्स इज गिवन बाय एस एन इक्वल टू थ्री एन स्क्वायर माइनस फोर एन, फाइंड इट्स एन एटम। देखो पहले मैं सबो ये एमसीक्यू में आ जाता है, एमसीक्यू तो आएंगे थोड़े बहुत आएंगे। अब यदि ये एमसीक्यू में आ गया आपका तो फिर मैं पहले ट्रिक बता देता हूँ उसकी। यदि आपका सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है थ्री एन स्क्वायर माइनस फोर एन, तो इसकी एन टर्म क्या होगी दे देखना बेटा। सब आप क्या करोगे, इस टू को थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप क्या करोगे n को ट्रिक देख लो पहले, ये जो पावर 2 है इसको आगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 6 है, हुआ कि नहीं हुआ? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हुआ 6n, पहले ये लिखो गया। अब n को छोड़ दो, n को दिमाग में हटा दो, 3 माइनस 4 कितना होता माइनस 4, तो बेटा 6 में क्या करूं कि माइनस 1 आ जाए, माइनस 7 बेटा, ये इसकी एनेट टर्म है। अभी और बता रहा हूं जाऊं, ये इसका एनेट टर्म आएगा 6n माइनस 7। एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी देखो प्रैक्टिस करेंगे तभी होएगा। इधर देखो मैंने बोला एस एन इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 6 4n, एन एट टर्म बोलो 10n, 5 प्लस 4 10 में क्या करें कि 9 आ जाए, ये इसका एन एट टर्म है, कोई दिक्कत? फिर मैं बोल रहा हूं एस एन इक्वल टू 7n स्क्वायर प्लस 4n, एन एट टर्म बोलो, एन में क्या इसको करो 7 प्लस 4 14 में क्या करें कि 11 आ जाए, आ गया। और देखो बोलो 4n, अब 2 प्लस 8 तो 4 में क्या करें, तो ये इसका एनेट टर्म आ गया। समझ में आया? ये सबको क्लियर है? तो ये तो ट्रिक हो गई, लेकिन सपोज आपका एमसीक्यू की जगह और कहीं आता है तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, उसका सोल्व करने का मेथड मैं भी बता रहा हूं। अब इसमें एक चीज और नोटिस करना, ये एन का मल्टीपल कितना है 10, क्या इसकी कॉमन डिफरेंस, क्या बोल रहा हूं, क्या है इसकी, इसकी कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस, तो जो भी एन का मल्टीपल होता है वो हमेशा क्या आता है कॉमन डिफरेंस है। तो ये दूसरी चीज आपको याद रखनी, ठीक है? तो ये कहीं पे भी रफ में लिख लो, इन ये एग्जांपल जो भी है कहीं पे भी एक ब्लॉक बना के लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है? तो ये तो ट्रिक हो गई भाई। अब मेथड देखते हैं भाई, सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालेंगे और एन टर्म कैसे निकालेंगे।
लिखा करें भाई स्टार्ट। तो कल मैंने एक मेथड तो मैंने कल बता दिया था, दोबारा बता देता हूं। होता क्या है कि जब आप m इक्वल टू वन रखते हैं, मतलब s1 आता है, और s1 क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म होता है। s1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म। जैसे मैंने n इक्वल टू वन रखा, s1, तो n की जगह वन रखा मैंने, तो बेटा जो ये s1 आ रहा है ये क्या कौन सी टर्म होती है, फर्स्ट टर्म। इसका मतलब हमारा फर्स्ट टर्म कितना आ गया, माइनस वन। एस वन का क्या मतलब होता है, फर्स्ट टर्म। इसमें कोई दिक्कत? फिर मैं n की जगह 2 रख रहा हूं, s2, तो n की जगह 2 रखा भाई। 2 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। s2 का क्या मतलब होता है, फर्स्ट टर्म प्लस, तो s3 का क्या मतलब होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। s5 का क्या मतलब होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस वन। आई बात समझ? तो ये हो गया बेटा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, 3 × 4 − 8। फर्स्ट टर्म है आपकी माइनस वन, 12 − 8, तो ये आ गया आपका कितना हो गया, 8। सेकंड टर्म 4 − 1 इधर आया तो प्लस वन, कितना आ गया सेकंड टर्म, 5। ये हमारा सेकंड टर्म आ गया। अब बेटा यदि आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गया और सेकंड टर्म भी आ गया तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो आप। तो कॉमन डिफरेंस होता है हमारा सेकंड टर्म माइनस, सेकंड टर्म क्या है, 5 − 1, तो 5 + 1, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6। यहां तक कोई दिक्कत? ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब मेरे को इसका क्या निकालना है, nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है बेटा और d कितना है, 6। तो माइनस वन प्लस सिक्स एन माइनस क्या आ गया, 6n − 7। तो ये आपका इसका nth टर्म आ गया जो कि अपन ने पहले ही निकाल दिया था। तो ये तो है बेटा हमारा फर्स्ट मेथड, और आपको यही वाला मेथड यूज करना है क्योंकि ये इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, लिख लीजिए जिसने नहीं लिखा या समझ में नहीं आया था। अब समझ में आ गया ये मेथड। अब इसके बाद मैं सेकेंड मेथड की बात करूंगा। कहाँ चलेंगे आप, कहाँ जा रहा है, घर पे ही है, क्या बनाया, कितनी पार्टी लेंगे बना भाई, आज इसकी हो गई वो उसकी आ जाएगी, कितने दिन बाद, चलिए भाई नेक्स्ट। सेकंड मेथड बेटा, अब सेकंड मेथड क्या होता है ये समझो। मुझे कभी भी nth टर्म निकालना है, मैं जो बात बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनना बेटा। यदि मैं शुरू के 5 टर्म के सम को मैं से 4 टर्म का सम हटा दूं स्टार्टिंग की, तो कौन सी टर्म बची, 5th टर्म बची। शुरू के 5 टर्म का सम क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस, उसमें से शुरू की 4 टर्म का सम हटा दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का सम, तो कौन सा बचेगा, a5 बचेगा। तो मतलब a5 कैसा आया, s5 − s4 कैसा आया बेटा, a5 आया हमारा s5 − s4। तो यदि मुझे सपोज 7 टर्म निकालनी है तो क्या आएगा, s7 − s6। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ फॉर्मूला कैसा है। और यदि बेटा nth टर्म निकालनी है तो कैसे आएगा, ये फॉर्मूला है, हटाओ उसको, लिखो nth टर्म का फॉर्मूला होता है sn − sn − 1। दिस इज द सम ऑफ, दिस इज द nth टर्म व्हेन द सम ऑफ n टर्म इज गिवन। जब आपको सम ऑफ n टर्म गिवन है और मुझे nth टर्म निकालना है
तो ए एन होगा, एन एट टर्म होगा एस एन माइनस वन। सम ऑफ एन टर्म में से क्या हटा दो, सम ऑफ एन माइनस वन टर्म हटा दो, तो आपको कौन सी टर्म मिल जाएगी बेटा, एन एट टर्म। इसमें किसी को दिक्कत, समझ में आ गया? अब इससे कैसे निकालेंगे समझो, एस एन की माने हमें 3n स्क्वायर माइनस n माइनस वन में हर n की जगह n माइनस वन रख दो, बिना ब्रैकेट के यूज मत करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। n की जगह n माइनस वन और n की जगह n माइनस वन, हर n की जगह n माइनस वन रख दो बेटा। n माइनस वन का होल स्क्वायर कीर्तिराज, a माइनस बी का होल स्क्वायर बता दो, कोई बात नहीं, गलत सलत जो भी है बता, जब गलत बताएगा तभी सही होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बस, तो फिर क्यों घबरा रहा है, सही तो बोल रहा है। तो n माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर प्लस वन माइनस टू है। बेटा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, ये मैथमेटिक्स क्या है, सिर्फ कॉन्फिडेंस है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं, लो कॉन्फिडेंस रहेगा तो भी दिक्कत आएगी हमसे। तो आप देखो इधर, थ्री एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, और इसको फोर से मल्टीप्लाई करो, फोर एन माइनस माइनस प्लस फोर, थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री माइनस सिक्स एन माइनस फोर एन प्लस फोर, कितना आ गया, थ्री एन स्क्वायर माइनस टेन एन प्लस सेवन, थ्री एन स्क्वायर माइनस टेन एन प्लस, लिख लीजिए बेटा ये एस एन माइनस वन होगा, ये निकालना पड़ेगा। एस एन माइनस वन इज थ्री एन स्क्वायर माइनस टेन एन प्लस सेवन। अब मुझे क्या बोला है, एनएट टर्म एस एन माइनस एस एन, ब्रैकेट का यूज जरूर करना है, थ्री एन स्क्वायर माइनस फोर एन माइनस थ्री एन स्क्वायर माइनस टेन एन प्लस सेवन, ओपन कर लेंगे ब्रैकेट। थ्री एन स्क्वायर माइनस फोर एन माइनस थ्री एन स्क्वायर प्लस टेन एन माइनस सेवन, सो व्हाट इज द एनएट टर्म, सिक्स एन माइनस। तो फिर लग रहा होगा ना कि सब पहला वाला ज्यादा अच्छा था, इसलिए पहले वही बताएं जो आप करोगे, लेकिन ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कहीं पे भी वो फॉर्मूला पूछ सकता है कि व्हाट इज द एनएट टर्म इफ एसएन इज गिवन, तो वो होता है एसएन माइनस वन, दिस इज द एनएट टर्म। किसमें नहीं दिख रहा है, तो लगा ले छह सात एक साथ। इसमें थोड़ी आ रहा है, इसका क्या, मुझे लग रहा समोसा चढ़ गया दिमाग में। लिख लिया, आ गया समझ में, किसी को दिक्कत? अरे ये काम नहीं करना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तब करते हैं जब हमें वैल्यू निकालनी होती है, हमें वैल्यू थोड़ी निकालनी, हमें तो एनएट टर्म निकालना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब एक चीज और, बार बार मैं तेरे से एक चीज बोल रहा हूँ, जो कल कर रहा था ना, इक्वल टू, ये इक्वल टू है तो दूसरा इक्वल टू जीरो नहीं करेंगे कभी, वो तो जब गिवन होता तभी करेंगे, वरना नहीं करेंगे, क्योंकि तेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही, सर इसको इक्वल टू जीरो करके इसकी वैल्यू निकाल लो, क्यों निकालना है, इक्वल टू जीरो कहां दे रखा, क्यों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तब करते हैं जब आपको इक्वल टू जीरो गिवन होता है। जैसे आपने बोल दिया कि थ्री एन स्क्वायर माइनस टेन एन
प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, तब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही होगी तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आपको कहीं भी इक्वल टू जीरो दिख रहा है कि यहाँ पर, तो फिर नहीं करेंगे, अपने मन मर्जी से कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तेरी तुम्हारी दिक्कत नहीं, औरों की भी दिक्कत है। ये वो कहाँ गई रूपल, उसकी भी बहुत बड़ी दिक्कत है। ये पहले टेस्ट लिया मैंने, लिखा भाई कि सब एनेट टर्म 4n-7 आया, तो अपनी मर्जी से 4n-7 इक्वल टू जीरो, तो n इक्वल टू 7/4। अरे कहाँ की वन है जीरो, आपको कहाँ की वन है जीरो, जो आप इसको इक्वल टू जीरो करके n की वैल्यू निकाल रहे। ये तो हमें कुछ गिवन ही नहीं है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये ऐसे कैसे रहेगा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक कुछ भी नहीं गिवन होगा तब तक आगे हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी, ये चीज कि कहां पर क्या करना चाहिए। अरे मैंने बहुत चीजें देखी है, मैंने बोला कि भाई इसका nth टर्म आ गया, जैसे p1 आ गया, मैंने बोला n-6 आ गया, तो स्टूडेंट क्या बोलता, सस्ता n की वैल्यू 6 आ गई, क्यों आ गई भाई n की वैल्यू 6, मैंने बोला इक्वल टू जीरो है, p1 तो n-6 ही आएगा, आप n इक्वल टू 6 क्यों आएगा, जब तक इक्वल टू जीरो नहीं गिवन होगा तब तक नहीं आएगा। ये चीज है, यस कोई कुछ बोल रहा है, हाँ संडे को टेस्ट होगा ना, पक्का है वो तो, किसी का ही एपी का संडे को तो टेस्ट फिक्स है, उसको तो अरे वही बता रहा हूँ, मेरी अम्मा लिखो √2 √8 लिखो, फाइंड द सेवन टर्म ऑफ एन एपी √18 एंड सो ऑन, इसका सेवन टर्म निकालना, √2 √8 √18 एंड सो ऑन। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये एपी का है, तो एपी बनाएंगे अभी, हमें रूट में से जो चीज बाहर है वो लेनी पड़ेगी, तब जाके पता लगेगा कि भाई ये एपी में है कि नहीं। जैसे √8 किस किस का मल्टीपल है, 4 और 2 का, और 4 बाहर आके कितना हो जाएगा 2, समझ में आई बात, ऐसे 2√2। देखो सर √2 √8 √18 एंड सो ऑन, √2 √8 को मैं क्या लिखूंगा 4 into 18 को क्या लिखूंगा 9 into एंड सो ऑन। √2 ये 4 बाहर आके, ये अब बोलो ये एपी में है कि नहीं है, ये एपी में, ऐसे निकालना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस √2 - √2 1, अरे √2 से √2 गया, और 2 - 1 1, अरे इनको बोलने तो दे यार, ये हाँ कर रहे हैं ना जितने लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तुझे क्या लगता मुझे नहीं आता कि है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, है ऐसी बातें क्यों कर रहे है? थोड़ा तो विश्वास कर, क्या आएगा, हाँ ऐसे थोड़ी कि सबकी मैथ्स बहुत बढ़िया है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी वैल्यू 1 आएगी, और कुछ लोग और भी स्पेशल। देखो सर 2 - 1 तो 1 हो गया, और √2 - √2 0 हो गया, तो 1 into 0 0 आ गया। तो 2 √2 - √2 2 √2 - 1 √2 तो कितना आ गया भाई √2। चलिए लिख लीजिए, कौन सी टर्म निकालनी है, सेवंथ टर्म a+6d, a की वैल्यू √2 + 6√2 कितना आ गया 7√2, सेवन टर्म आ गई 7√2, लिख लीजिए ये इसका आंसर। इसी तरह की प्रॉब्लम बोल रही थी ना, चलिए आज तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ, बस एक ही कंसेप्ट हुआ सम ऑफ एन टर्म वाला, तो इस पे प्रॉब्लम दूंगा,
फिर वापस से आपके जो स्प्लिटिंग था मिडिल टर्म वाले प्रॉब्लम दूंगा आज होमवर्क में, इवनिंग में आ जाएगा आपके पास होमवर्क, उसमें ऐसे देंगे। हाँ और बोल, कुछ बोल रही हो तो बोल दे। सब आ जाएगा, तू तो मुझे क्या पता है ना, अनपढ़ समझ रखा है। अरे सब समझ में आता है बेटा मुझे। इसमें क्या दिक्कत आई, थर्ड एंड सेवन टर्म ओपन एपी सम, तो ए थ्री प्लस ए सेवन इक्वल टू 66। अब इनका प्रोडक्ट तो बेटा क्वांटिटी लगेगी प्रोडक्ट आती, क्योंकि उसने बोला थर्ड टर्म ए प्लस टू डी और ए प्लस कितना सेवन टर्म 6d, इसका प्रोडक्ट है 8। अब ये गड़बड़ है, एक ही जगह आपको कुछ रखना पड़ेगा। जैसे ये आपका पहला क्या था 2a प्लस एक तो आ गया आपका थर्ड टर्म, तो 2 आ गया और 6 आ गया 8d इज इक्वल टू 6, तो a प्लस 4d इक्वल टू 3 आ गया तेरा, तो एक ही जगह आ गया 3 माइनस 4d, वो तू यहाँ रखेगी क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर उसको सोल्व करना। चलिए भाई ठीक है, बाकी नॉन सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स अपन कितने बजे मिलेंगे? 6 बजे।